पाक करते हैं लाहौर से, जहाँ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ खलूस नीयत से मुज़ाकरात किए। पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन का मुतालबा पीटीआई ने मान लिया था। अगर चेयरमैन पीटीआई कौम से माफ़ी मांगे तो डायलॉग हो सकते हैं। डायलॉग के लिए नवाज शरीफ को भी मनाना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने कहा कि इजलास घेराव करने वालों से कोई डायलॉग नहीं हो सकते। जबकि निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि 9 मई के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। आलमी मालियाती अदारे भी पाकिस्तानी सियासत पर नज़र रखे हुए हैं। IMF भी सूरत हाल को देख रहा है और सवाल कर रहा है कि इससे काम कब आएगा। 9 मई वाकयात के हवाले से सीनियर लीडरशिप के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। प्लानिंग थी कि अगर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो इन्हें ऐसा ही करना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि इनकी प्लानिंग थी कि कहाँ कहाँ जाना है, ये तो इंतहा पर चले गए। कारकुनान नए लीडर्स की हदायत पर अमल दरामद किया। एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों ने अब मिनते तरले करना शुरू कर दिए हैं। 9 मई केस में एक मिसाल कायम होनी चाहिए। दुश्मन तो चाहता है कि मुल्क में अफरा तफरी फैले। हर रोज़ डिफ़ॉल्ट की बातें की जाती हैं। डिप्लोमेटिक को वजारत खारजा मिलिट्री कोर्ट के हवाले से ब्रीफ करेगी।